हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। तो आज हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे अपने फ़ोटो को, वो भी अच्छे अच्छे फ़ोटो को, आप उनको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, बट आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको अपना वो फ़ोटो डालना पड़ेगा और आप आसानी से आपकी जो भी अच्छी और प्यारी फ़ोटो होगी उसको वो एडिट कर देगा। फिर आप देखेंगे जो आपके पहले बिना एडिट वाली फ़ोटो थी, जो एडिट हो चुकी है, उसमें आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। दरअसल आपको एडिटिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं है, बट आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड रखिए। डाउनलोड करने के बाद फिर भी आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के फ़ोटो बड़ी ही अच्छी अच्छी तरीके से और प्यारे प्यारे तरीके से एडिट कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, आप फेसबुक, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे, उन पर आप अपने फ़ोटो पोस्ट करते होंगे। तो अगर आप नॉर्मल फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो अगर आप एडिट करके फ़ोटो पोस्ट करें तो उन पर लाइक आने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। दरअसल क्या होता है, अगर आपने ऐसे ही फ़ोटो खींचा और आपको ऐसे ही डाल देते हैं तो वो फ़ोटो कम लोगों को अच्छे लगते हैं, बट आप उनको थोड़ा एडिट कर देंगे तो उन फ़ोटो में जान सी आ जाती है और जो भी लोग आपके फ़ोटो देखेंगे तो लाइक करके आपको कमेंट ज़रूर करेंगे कि आप ये एडिट कैसे करते हैं। तो ये एडिटिंग आप कैसे सीख पाएंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो आज तक देखनी पड़ेगी। जो जो मैं आपको स्टेप बताऊँ वो आपने फॉलो करना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे आपकी ये कोई फ़ोटो, अगर आपको इनमें से कोई सा भी एक फ़ोटो को एडिट करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो को शायद, फिर मैं आपको बताता हूँ आप अपने नॉर्मल फ़ोटो को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरीके से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑल आइकन पर सिलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ये एप्लीकेशन आसानी से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करके बताता हूं आप कैसे बड़ी आसानी से अपने प्यारे प्यारे फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन देखेंगे, टॉप, ट्रेंडिंग और रीसेंट। अगर आप ट्रेंडिंग में करेंगे जो ट्रेंडिंग में फोटो चल रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, और आप रीसेंट पे करेंगे तो जो रीसेंट पे चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्टर मिलेंगे जिसको आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से कोई सा भी एक को फ्रेम आपको चूज़ करना है। जो भी आप अपना एक फ्रेम चूज़ करेंगे या बैकग्राउंड चूज़ करेंगे तो उसके पीछे जो भी अभी यहाँ पर जो आप बंदे देख रहे हैं तो उनकी जगह आपका फ़ोटो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इनका फ़ोटो कितना अच्छा लग रहा है। और आपका भी फ़ोटो अगर यहाँ पर आएगा तो आपका भी फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे इसमें क्या करना है, आपको कोई सा भी एक चुन लेना है और चुनने के बाद आपने अपना फ़ोटो वहाँ पर लगा देना। जैसे आप अपना फ़ोटो वहाँ पर लगा देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत फ़ोटो एडिट हो जाएगी और जो भी आपकी फ़ोटो एडिट होगी या जो भी आपके फ़ोटो में कमाल होगा वो आप आसानी से देख सकते हैं। पहले की अपेक्षा आप अपने नॉर्मल फ़ोटो को भी देख सकते हैं और आप अपने जो एडिट वाला फ़ोटो आप उसको भी देख। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वो सब कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस वाले पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो इस बंदे की जगह जो भी आप अपना फ़ोटो लेंगे तो वो यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, जिससे कि आपका फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा कि मैं ये अपने फ़ोटो में कर सकता हूँ। तो सिंपली नीचे की तरफ आपने अपनी फ़ोटो को चूज़ करना है। तो मैं अपनी गैलरी में जाऊँगा, गैलरी में से अपना कोई सा भी एक अच्छा सा फ़ोटो लूँगा। तो सिंपली मैं एक फ़ोटो को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ पर ये, अगर आपको इसको थोड़ा इधर उधर करना है तो वो भी आप यहाँ से जो आइकन दिए हुए नीचे तरफ कर सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ से इस वाले एरो वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे फिर आप इस एप्लीकेशन का कमाल देखेंगे। जो आपकी नॉर्मल से नॉर्मल फ़ोटो थी उसको इस एप्लीकेशन से हुआ कितनी आपकी फ़ोटो में जान डाल देगा, जिससे कि आप तो आपके अपने पहले वाले फ़ोटो से ये एडिट वाला फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस फ़ोटो को आप कहीं पर भी पोस्ट करिए, चाहे आपके इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सअप पर स्टेटस के रूप में इस फ़ोटो को लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मैंने अभी एक फ़ोटो ली थी वो कितनी अच्छी अब लग रही है, जो कि मैंने अभी एडिट की हुई थी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, अगर आपने फ़ोटो उसकी एडिट की, अगर आप उसका नाम या अपना नाम डालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर टी वाले आइकन पर क्लिक करके और आप अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड का किसी का भी नाम डाल सकते हैं और यहाँ से क्लिक कर दिए। फिर आप इस नाम को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी फॉन्ट भी आप यहां से बड़े ही प्यारे प्यारे दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहां पर आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसका ये भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। बस ये सब हो जाने के बाद यहाँ से आपने क्लिक करना है। अगर आपने इस फ़ोटो को सेव करना है तो आप कैसे करेंगे,
सिंपली आपने यहाँ पर शेयर वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दूसरे नंबर पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे फिर ये फ़ोटो आपके गैलरी में बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आपको यहीं से भी अगर आपको किसी को सेंड करनी तो व्हाट्सअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, फेसबुक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैसेंजर का और जीमेल का, तो आप यहां से डायरेक्टली किसी को भी आसानी से यहां से सेंड भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये वीडियो आपको पसंद आती तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।